हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बांग्लादेश के नूरुल्लाह सर हैं जो कि 15 साल से माल्टा में हैं और ये आपको एक यहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे कि माल्टा कैसा देश है और यहाँ पे रहने का काम का क्या सिस्टम है और यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है। इन सभी बारे में मैं इनसे पूछूंगा तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा जानकारी मिले इनके द्वारा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपका मेरे चैनल पर और आपसे मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि माल्टा हमारे एशिया कंट्री के लोग लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों के लिए कैसा है, थोड़ा आप बताएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। इधर काम के लिए भी अच्छा है लेकिन तनख्वाह भी बहुत है। एक एक आदमी 8 यूरो 9 यूरो घंटा भी दे रहा है। अच्छा लोग है उधर, काम भी अच्छा है, रहने का अच्छा है, मुल्क भी अच्छा है। अच्छा, आप 15 साल पहले इधर आए? हाँ हाँ। तो जब आप शुरू में इधर आए थे तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आदमी लोग था कि नहीं, हमारा कंट्री का लोग हिंदी बोलने वाला? हाँ हाँ, है तो है, पहला भी है, उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पहला भी है, थोड़ा थोड़ा अभी तो बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे 15 साल पहले ही आए थे तो यहाँ पे 15 साल पहले बहुत ही कम हमारे एशिया कंट्री के लोग थे, कुछ कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन अभी के टाइम काफ़ी लोग जहाँ भी देखेंगे बहुत सारे लोग हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जैसे कि कोई क्राइम यानी कि चोरी, किसी को लूटना, पैसा, ये सब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पहला कंपनी का काम करो 8 घंटा, 2 घंटा कोई कोई कंपनी 2 घंटा 1 घंटा ओवर टाइम देता है, बाद में पार्ट टाइम करो रेस्टोरेंट में। कोई रात 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, कोई नहीं पूछता है तुम किधर से जा रहा है, कितना पैसा है तुम्हारा पास, ऐसा नहीं है। कोई हरामी आदमी नहीं है, लूटने का आदमी कोई नहीं है, अच्छा कंट्री है। यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ है, आप रात को कितना बजे भी घूमो कोई आपको छीनने के लिए, या फिर आप जैसा सुने होगे अलग अलग कंट्री में चोर ये लोग माफिया लोग होता है, बंदूक छुरी लगा के बोलते हैं पैसा दो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं, अच्छा कंट्री है, लेकिन आदमी को इज्जत भी कर सकता है। आधा घंटा 10 मिनट काम करो, 10 मिनट का पैसा भी दे देगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे जितना घंटा काम करोगे आपका एक एक मिनट जोड़ के ये लोग पैसा देते हैं। हाँ, पैसा भी देता है, सही बात है। अच्छा, आप एक बात बताएं, यहाँ पे जैसे नॉर्मल कोई काम करने आता है बिल्डिंग में, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब काम में आता है, एसी का काम, ड्राइवर का काम, तो कितना पैसा कमा सकता है? ये तो जो खरीदगर आदमी आ सकता है ना, एसी का, कोई गाड़ी का इंजीनियर, कोई प्लम्बर का है, वो उसको बहुत इज्जत है, 8 यूरो 9 यूरो घंटा भी दे रहा है, 8-9 यूरो 10 यूरो ज्यादा एक्सपीरियंस है तो। हाँ हाँ, वो तो ऊपर भी दे रहा है, अच्छा इज्जत भी है उसको। तो आप क्या काम करते हैं बता सकते हैं आप हमारे? हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन, स्टील पिक्चर, कार्पेंटर, वही काम कंस्ट्रक्शन लाइन में। आपका कंपनी का नाम बता सकते हैं आप? हम एएक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ। एएक्स ग्रुप कंपनी है, माल्टा का बेस्ट कंपनी है एएक्स कंपनी, जिसका मैं लोगो आपको डिस्प्ले पे लगा देता हूँ, और अगर आप इस कंपनी में आते हैं तो बहुत बेनिफिट्स भी देता है। बहुत बेनिफिट भी है, बहुत इंडिया वाला आदमी है, बिहार का आदमी है, बहुत आदमी है। मैं भी बहुत ट्राई किया हूँ उस कंपनी में, मैं भी ट्राई किया था, लेकिन वो लोग बोला अभी वैकेंसी नहीं है फिलहाल, लेकिन जब वैकेंसी आएगा तो वो लोग कॉन्टेक्ट करेगा। मैं भी कंस्ट्रक्शन लाइन में ही काम करता हूँ एज ए इलेक्ट्रीशियन। तो आप अच्छा बता सकते हैं कि आपका मंथली कितना बचा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी कटता है, रहने का, खाने का, थोड़ा ये बारे में मेरे को डिटेल में बताएं। अच्छा, तो रहने का है कोई 150 में रहता है एक आदमी को, कोई 200 लगता है, तो खाना का तो तुम्हारा ऊपर में है। हाँ। अच्छा खाओ, 200-300 भी जाएगा ऐसे ही। हाँ। और महीना में टैक्स वैक्स भी कटता है 1800-2000 भी आता है ऐसे ही है टैक्स वैक्स, मतलब कि टैक्स वैक्स काट के 1800-2000 तक आपको आ गया। हाँ, आ जाएगा, बाद आ जाएगा। में उसमें आपका रहने का, खाने का, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है क्या? हाँ, हाँ। आप कितना खा रहे हैं, अगर आपका बाहर का खर्चा ज्यादा है, जैसे आपका ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, तो ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है। कंपनी का बात, काम रेस्टोरेंट में काम करो, 8-9 यूरो घंटा भी दे सकता है। कोई शेफ का काम कर सकता है ना, तुम वेटरी भी कर सकता है, 8-9 यूरो घंटा भी मिल जाएगा। अच्छा, 4-5-6 घंटा करो। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग होटल रेस्टोरेंट में आते हैं वहाँ पे ओवर टाइम थोड़ा कम मिलता है, कम मिलता है, कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपका इज्जत थोड़ा ज्यादा है, रिस्पेक्ट ज्यादा है। उसके बाद खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, खाएगा, खाना वाना भी मिलेगा, बाद में जॉब आपका प्रोफेशनली जॉब होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन में थोड़ा मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन पैसा भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है।
और वो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बचा पाते हो। हालांकि यहाँ पे अगर बात किया जाए माल्टा में हमारा इंडिया कंट्री का लोग का, तो हर कोई 1,00,000 रुपया बचा सकता है। हाँ, हमारा साथ एक बिहार का आदमी काम कर सकता है ना, बच्चा आदमी है, तीन चार आदमी है बिहार का तीन चार आदमी। तो बिहार का यहाँ पे मैं भी काफी लोगों से मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के लोग सिर्फ गल्फ कंट्री में जाते हैं, यहाँ पे बिहार के लोग बहुत ज़्यादा अभी तक आ चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं तो बोलते हैं बिहार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। भाई ऐसा नहीं है, बिहार के लोग अमेरिका कनाडा हर जगह पे है और अच्छा पैसा कमा रहा है। तो हमारे नूरुल्लाह साहब ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, और ये 15 साल से यहाँ पे, 15 साल एक छोटा मोटा टाइम नहीं होता है भाई, और माल्टा में इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक बात आप बता दें कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं माल्टा में, तो कैसा वो लोग आएगा, कोई तरीका है, इधर कंपनी से बात करना पड़ेगा या फिर? नहीं नहीं, उधर भी आना पड़ेगा ना, तो कोई कंपनी के साथ बात करो। कोई कंपनी के साथ में ऑनलाइन पे अप्लाई करो, वो आपको इंटरव्यू लेगा। और एक तरीका भी है, जो बस भी चलता है ना, उसको नेट में जाओ, देखो, ड्राइवर भी बहुत, ड्राइवर भी चाहिए, 7-8 यूरो घंटा है। तो ड्राइवर का जॉब में यहाँ पे लाइसेंस मांगता है ना? हाँ, लाइसेंस मांगता है, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, लाइसेंस मांगता है तुम्हारा, खुद तुम बात करो। तो नेट में है। ड्राइवर का जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आओगे आप किसी भी वीजा पे, तो यहाँ पे लाइसेंस बनाने के बाद आसानी से आपको ड्राइवर का जॉब मिल जाएगा। और माल्टा ट्रांसपोर्ट का जो बस चलता है, ट्रांसपोर्ट का है, सही बात है, उसमें अगर आपको जॉब लग जाता है तो समझो कि गवर्नमेंट का जॉब है ये, और एक अच्छा बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा और एक सेफली जॉब आप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को एक अच्छा जानकारी मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।